हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू मॉर्निंग में रीडिंग लेके आई हूँ आपके पर्सन की। आज की एनर्जी देखेंगे हम कि उनके मन में आज सुबह सुबह क्या थॉट्स आए हैं, क्या उनकी एनर्जी है, ओके, और आपको लेके क्या उनके दिल में फीलिंग्स है, ओके। आज हम ये देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है व्यूवर्स, उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल रीडिंग से रिगार्डिंग इस नंबर पर मिलेगी। इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो में नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, ओके। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज हेल्प करिए, क्या एनर्जी है उनकी, क्या उनके मन में चल रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, ओके, थंडरस्टॉर्म, जर्नी एंड डोर टू स्प्रिट, बॉटम ऑफ द डेक से हार्ट चक्र, वॉकिंग अवे, ओके ओके, ठीक है। टैरो से देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करिए, प्लीज बताइए इनके पर्सन के दिल में आज ये तूफान मचा है किस चीज को लेके है। प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके, डेविल, थ्री ऑफ, ओके, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर, ओके, टेन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, ओके, हैंगमैन, सेवन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, ओके। आज की एनर्जी सुबह की काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सी थोड़ी सी लग रही है मुझे, ओके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरे कार्ड्स भी। तो आज मुझे गाइस सबसे पहले ये नज़र आ रहा है, आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं, अब आ रहे होंगे। तो आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स कोई पर्सन तो ज़रूर है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई थर्ड पार्टी के साथ में इनकी जम नहीं रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे गाइस लवर्स नहीं है, यहाँ पे आप ट्रू लव कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन है जबरदस्ती का, कनेक्शन बनाया गया और उसको मैनिफेस्ट किया गया। उस कनेक्शन में जबरदस्ती जैसे कि एक को छोड़ के दूसरे की तरफ जाया गया और ये छुप छुप के चीजें हुई, ठीक है। ये वो कनेक्शन है जो कि जिसमें जिसको कह सकते हैं ना, जो कि छुप के है, सोसाइटी से छुप के, या फिर जो पता था कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं हम लोग गलत तरीके से लेके जा रहे हैं, या इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है, ठीक है। और मतलब क्या है ना, यहाँ पे एक वाइब्रेशन ऐसी मुझे आ रही है आपके पर्सन और उस कनेक्शन की बीच में, जहाँ पे एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन की जो फीलिंग्स है ना, वो इंटीमेसी की नींव पे टिकी हुई है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का रिलेशनशिप में जो भी कनेक्शन है उसका, उसकी नींव जो है ना, वो ट्रस्ट नहीं है, वो नींव में प्यार नहीं है, उसको प्यार नहीं बोला जाएगा। प्यार इज़ अ डिफरेंट थिंग। प्यार इंसान किसी से करता है तो उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ दोनों से करता है, जो जैसा होता है उसे वैसा ही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना, तो उसमें अगर 10 अच्छाइयाँ हैं तो उसके अंदर मान के चलो कि 90 बुराइयाँ अक्सर निकल के आती हैं कनेक्शन के बीच में। शुरुआती टाइम में क्या दिखता है, सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब कनेक्शन बनने लगता है तो उसकी बुराइयाँ भी सामने आती हैं, और ट्रू लव क्या होता है, वो उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करता है ना।
लेकिन जो एक डेविल कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है, इसमें इंसान सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पसंद करता है जो कि उसमें सामने वाले के अंदर उसे दिखती हैं, और वो उसी की वजह से उनके पास जाता है। लेकिन जैसे जैसे किसी की नेगेटिव पॉइंट या किसी की बुराइयां सामने आने लगती है तो सामने वाला पर्सन क्या होता है, उसे दूर जाने लगता है ना। तो वही चीज़ें मैं आपके पर्सन की लाइफ में देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के सामने उस पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, कुछ ऐसे आस्पेक्ट निकल के आए हैं जिससे इनकी लाइफ में प्यार में भूचाल सा आ गया है, ठीक है। और ट्रस्ट ब्रेक हुआ है आपके पर्सन का, मतलब ये है व्यूअर्स कि जो इन्होंने सोचा नहीं था ना वो चीज़ें रिवील हुई हैं आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। अब वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आपके पर्सन गाइस फेस कर रहे हैं, और मैंने बोला ना यहाँ पे जो कनेक्शन है व्यूअर्स वो इंटीमेसी जिसका बुनियाद रही है, या जिसमें सिर्फ अच्छाइयों को ही देखा गया, जो बुराइयाँ थी जो नेगेटिव आस्पेक्ट थे उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। और जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी की, आपके पर्सन गाइस वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ से न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के भाई निकल रहे हैं वहाँ से आपके पर्सन, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, आज की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग कर रहे हैं सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए, या ऐसे पर्सन को पाने के लिए जो इनका ट्रू लव हो, ठीक है। अब इस तरह की जर्नी मुझे आपके पर्सन की लाइफ में नजर आ रही है, बट स्टिल मैं कुछ लोग गाइज ये कहूँगी क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग गाइज अभी भी आपके पर्सन जो है ना उसी कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसी कनेक्शन के अंदर अभी भी आपके पर्सन उलझे हुए हैं। कुछ लोग के लिए गाइज एनर्जी इस तरह से मुझे वाइब्रेशन देखो मिक्स वाली आ रही है, मैं आपको सच बता रही हूँ, जो आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन गाइज अभी भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि इस कनेक्शन को बांधे रखना चाहते हैं, ऑल दो वहाँ पे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, ट्यूनिंग नहीं बन रही है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, पर स्टिल अपने ईगो की वजह से, या फिर ये कहें कि इनके पास में कोई और ऑप्शन इन्होंने शायद छोड़ा ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, सब रास्ते खुद ही बंद करके आए थे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जैसे कि हो सकता है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, और आपके पर्सन को ये लग रहा है कि मैं रिटर्न बैक जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्या मुझे जाना चाहिए, इतना सब कुछ होने के बाद में शायद वो रास्ता वो दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो चुका है जो आपकी तरफ से इवन दो ओपन अप ना मुझे नज़र आ रहा है, पर आपके पर्सन का ध्यान इस पे नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन का ध्यान नहीं है, वो इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं और अभी भी वहीं पर ही थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक कदम आपकी तरफ लिया हुआ इनकी लाइफ को सुधार सकता है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन की लाइफ में ये एनर्जी नज़र आ रही है कि सिर्फ एक कदम इनका इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनको ठीक कर सकता है। इनको भी लग रहा है कि मुझे ये कदम बढ़ा देना चाहिए, पर फियर है, ठीक है, इनके अंदर गाइस फियर है। ये जो कार्ड है ना मुझे यहाँ पे इस समय नज़र आ रहा है, ये इंसान के अंदर के डर को दिखा रहा है, एक इंसान के अंदर के ऐसे एस्पेक्ट को दिखा रहा है जिसको ये खुद ही डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्होंने जो किया है ये उसी को सही मान रहे हैं, और अब उसको गलत कैसे ठहरा दें, ठीक है, कि मैंने किसी के साथ में ये कर दिया है और मैंने इसको जस्टिफाई किया था, मेरा ही डिसीजन लिया गया था और जो ट्रस्ट था वो मैंने ब्रेक किया, मैंने ईमानदारी को तोड़ा इस कनेक्शन के अंदर, क्या अब मैं वापस जाता हूँ तो ये जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है इस कनेक्शन के अंदर यानी आपके साथ में, क्या ये फिर से सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्या इनको वैसी लाइफ मिल पाएगी, क्या लाइफ फिर से वैसी मैनेज हो जाएगी जैसे कि ये सोच रहे हैं। तो आज की एनर्जी व्यूअर्स आपके पर्सन की थोड़ी सी मिसलीडिंग वाली एनर्जी है, ओके, कुछ लोग के लिए गाइस यहाँ पे क्लियर कट है लेकिन कुछ लोग के लिए मिसलीडिंग एनर्जी है, ऐसा मुझे लग रहा है व्यूअर्स, क्योंकि वाइब्रेशन ही मुझे कुछ इस तरह की आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इस समय, ये तो सच है, 7-7 की एनर्जी है व्यूअर्स यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं आपके पर्सन जिनसे बाहर निकलने की आपके पर्सन गाइस कोशिश कर रहे हैं, न्यू जर्नी बिगिन करना चाहते हैं और एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके पर्सन न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। और बेसिकली व्यूअर्स ये इनकी लाइफ में
ये उन चीज़ों को अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि अपनी लाइफ के इस बुरे एस्पेक्ट को ये पर्सन आपके जो है इनकी लाइफ में जो हुआ है ना, ये उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्टिल लौट लौट के ये जो पर्सन है ये डेविल एनर्जी है, ये इनको अपनी तरफ खींचती है। आपके पर्सन गाइस आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से, वो बात ट्रू है, वो निकलना चाहते हैं, कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन गाइस उस पर्सन से गुस्सा है। अब यहाँ पे आप पे उतना गुस्सा नहीं है, यहाँ पे ईगो नहीं बरस रही है, अब वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन उस पर्सन के लिए है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही, क्योंकि डेविल कनेक्शन है ना व्यूअर्स, यहाँ पे ट्रू लव कनेक्शन नहीं है। ट्रू लव तो आपके पर्सन गाइस फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या ट्रू लव के पीछे न्यू जर्नी स्टार्ट करने आपके पर्सन, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ गाइस और कार्ड लेते हैं। राशि में आपको बता दूं, राशि है मेरे पास कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सजिटेरियस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। पर जो भी है व्यूअर्स, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम है, ट्रबल में आपके पर्सन अकेले हो गए हैं लाइफ के अंदर, और कुछ भी समझ में इनको नहीं आ रहा, अकेले वाली एनर्जी है। अगर आप पूरी रीडिंग को देखोगे, आपके पर्सन मुझे अकेले ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखो, सर पे हाथ रख के बैठे हैं और पछतावे की एनर्जी है। करंट सिचुएशन इनकी गाइज यही है कि कुछ अच्छा पाने चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, कुछ अच्छा चाहते अपनी लाइफ में, कि यार मैं इन चीज़ों से बस निकल जाऊं, किसी भी सूरत किसी भी तरह से मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, वो है व्यूअर्स प्रॉस्पेरिटी। जो खो गया है लाइफ में, जो लाइफ में था खुशियां थी, वो लाइफ से जो चली गई हैं आपके पर्सन गाइस, उन्हीं को पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उन्हीं को पाने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर व्यूअर्स ये है, आपके पर्सन गाइस आपकी तरफ आएंगे और यही व्यूअर्स है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डेविल एनर्जी ना व्यूअर्स, ये बंधन रिलीज हो रहा है आपके पर्सन का, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव है और न्यू जर्नी बिगिन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, बर्थ, न्यू बर्थ की एनर्जी, न्यू जर्नी व्यूअर्स, बार बार न्यू जर्नी आ रही है आज आपके पर्सन की। मुझे जैसे कि कुछ पुराना इनकी लाइफ में ऐसा है जिसके साथ में ये कनेक्टेड थे, जिसके साथ में इनका बहुत ज़्यादा एक ऐसा टाइम चल रहा था जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, और आज वही कंडीशन आ गई कि आपके पर्सन गाइज अकेले रह रहे हैं, और आपके पर्सन इस समय अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए सोच रहे हैं कि बस मेरा फ्यूचर आपके साथ में अच्छा हो जाए, ठीक है। इसीलिए व्यूअर्स मेरे पर बार बार न्यू बिगनिंग आ रही है आपके साथ में, आपके पर्सन की, ओके व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।